हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। यार, आज हम लोग बात करने वाले हैं उस बजट के ऊपर जिस बजट की कार हर किसी के घर में एक ना एक तो होनी चाहिए। अगर आप बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भी कैरी करते हैं तो हमें लगता है यार एक छोटी गाड़ी हमारे घर में ज़रूर होनी चाहिए, जो कि हमारे होता ना कि इतने सारे ट्रैफिक में इन सब चीज़ों से आपको बहुत बड़ा रिलैक्स दे देती है। तो वो कार्स हमारी होती हैं अंडर 10 लाख के बजट में। लेकिन यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा है कि कन्फ्यूजन इतनी बड़ी क्रिएट हो जाती है कि कंसिडर कौन सी कार की जाए। तो आज मैं आपकी इस प्रॉब्लम को थोड़ा सिंप्लीफाई करने आई हूँ। मैं आपको हर कैटेगरी के अंदर, चाहे वो हमारी हैचबैक है, चाहे हमारी सब 4 मीटर है, चाहे हमारी प्रॉपर एसयूवी है, चाहे हमारी सेडान है, इन हर कैटेगरी के अंदर एक वो कार बताने वाली हूँ जो आप 10 लाख के बजट में आंख बंद करके खरीद सकते हैं। आज की डेट में हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो हॉट सेगमेंट है दैट इज़ माइक्रो एसयूवी। इसके अंदर गाड़ियाँ बहुत सारी आती है, बहुत सारी कंपनी क्लेम करती है हमारे ये गाड़ी है, वो गाड़ी है, ये खरीदिए वो खरीदिए। लेकिन जो दो बेस्ट कार्स इसके अंदर आती है दैट इज़ पंच एंड दूसरी हमारी आती है एक्स्टर। अब हमारे दिमाग में सवाल आएगा कौन सी खरीदें यार। देखिए, एक्स्टर को डिज़ाइन वाइज वगैरह बहुत अवार्ड मिले, गाड़ी अच्छी है वो भी, लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल फेवरेट बताऊँ तो यहाँ पर हम पंच को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जहाँ पर एक्स्टर कहीं ना कहीं लैक करती है। जैसे पंच जो है वो 5-स्टार रेटेड व्हीकल है, ज़्यादा बल्की लगती है, अग्रेसिव लगती है, स्पेस वाइज आपको ज़्यादा फील होने वाला है इसके अंदर। और यहाँ पर जो हमारा मेन कंसर्न है वो है हमारा प्राइस। और यहाँ पर अगर आपको पंच का टॉप वेरिएंट लेना है तो वो आपको 10 लाख में मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक्स्टर का टॉप वेरिएंट पे जाएंगे जहाँ पे सारी चीज़ें आपको ऑफर की जाती है, उसके लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे। मीन्स जहाँ पे जो चीज़ आपको 10 लाख में मिल सकती है उसके लिए 12 लाख क्यों देने। सो पंच इज़ बेटर चॉइस। पंच आपको CNG और पेट्रोल दोनों के अंदर अवेलेबल है, और यहाँ पर आपके पास AMT एंड मैनुअल ऑप्शन दोनों अवेलेबल है। नेक्स्ट हॉट सेलिंग कैटेगरी जो है वो है हमारी इंडिया में हैचबैक कैटेगरी। और यहाँ पर विदाउट एनी कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में सिर्फ एक कार आती है, दैट इज टाटा एल्ट्रॉस। एल्ट्रॉस के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, वो ऑप्शंस क्या है बताती हूँ आपको। और यहाँ पर अगेन सबसे मेन मुद्दा आता है सेफ्टी का, जहाँ पर इस कार को कोई बीट नहीं कर सकता है। और जो हमने सेफ्टी की बात की, वहाँ पर जो एल्ट्रॉस है हमारी वो ओनली 5-स्टार रेटेड हैचबैक है जो इस टाइम इंडिया में अवेलेबल है। बाकी कोई भी हैचबैक हमारी 5-स्टार रेटिंग के साथ नहीं आती है। और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे और ऑप्शंस ही ऑफर करती है। जैसे ये कार आपको पेट्रोल में मिल जाएगी, ये कार आपको CNG में मिल जाएगी, और ये इकलौती ऐसी कार है, वो हैचबैक है जो आपको डीजल में भी मिल जाएगी। बाकी कोई भी आप हैचबैक देख लीजिए वो डीजल में अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर एल्ट्रॉस आपको डीजल में भी मिल जाएगी। मैनुअल का ऑप्शन आपके पास है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन आपके पास है, मीन्स ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से मैंने बोला ना, ये दिमाग में हैचबैक सोचते ही आपकी फर्स्ट चॉइस बन जाती है। चाहे आप इसके लुक्स की बात कीजिए, इंटीरियर की बात कीजिए, इसके अंदर स्पेस की बात कीजिए, हर तरीके से, हर टेक वाइज भी अगर हम लोग देखते हैं, हर तरीके से ये बेस्ट चॉइस है। एल्ट्रॉस को आप आंख बंद करके खरीद सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इस कार के अंदर कोई भी कमी नहीं है। नहीं यार, यहाँ पर एक मेजर कमी जो मुझे फील होती है वो है इसका 3-सिलेंडर इंजन, जो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिफाइंड इंजन वाली फीलिंग नहीं देता है। इसके कॉम्पिटिटर्स आपको बेटर इंजन ऑप्शन ऑफर कर रहे हैं, लेकिन स्टिल मेरी चॉइस एल्ट्रॉस है। क्यों बताती हूँ। इसका जो मेजर कॉम्पिटिटर है वो है हमारी बलिनो, या फिर हम बोल सकते हैं ग्लांजा। ये दो जो गाड़ियां हैं हमारी, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कार है, ज़बरदस्त इंजन के साथ आती है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आती है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, और जो इंडिया में मुझे लगता है अब लोग बहुत ज़्यादा फोकस हो गए हैं, वो चीज़ है सेफ्टी। वहाँ पर इन गाड़ियों के ऊपर आप रिलाय नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग रिकमेंड नहीं करेंगे। तो इस सेफ्टी वाले पैरामीटर की वजह से बलिनो हमारी हो जाती है साइड पर, और अगेन हम बोलेंगे कि एल्ट्रॉस ही आपकी आगे जाएगी, क्योंकि सेफ्टी बहुत बड़ी कंसर्न है यार। थोड़ा बहुत हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं हल्का फुल्का इंजन के ऊपर, लेकिन जान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि अगर आप थोड़ा बहुत सेफ्टी के ऊपर अपना खुद से अपना ध्यान रख सकते हैं, गाड़ी को ज़्यादा स्पीड पे ना चलाएं, आपका लोकेशन ऐसी है कि आप मतलब बहुत सेफ रह सकते हैं, गाड़ी को बचा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, तो वहाँ पर मैं बोलूँगी देखिए बलिनो भी बहुत ही बढ़िया एक गाड़ी है। लेकिन सेफ्टी को मेजरमेंट जो उसका है वो आपको करना है कि आप किस एरिया में रहते हैं, आपका ड्राइव कितना है, और आप कितना सेफ उस कार को खतरनाक सिचुएशन से बचा के निकाल सकते हैं। आपको लगता है रिस्क नहीं है, सेफ सी जगह में मेरे को चलाना है, तो बलिनो भी, उसको भी मैं बोलूँगी यार खरीदने लायक गाड़ी है वो भी। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है हमारी सब 4 मीटर SUV। अब सब 4 मीटर SUV में है तो भैया धमाल है, मार्केट भरी पड़ी है गाड़ियों से। लेकिन जो मैं बोलूँगी कि मेन इसमें जो रैंकिंग आती है, या जो मेन हम गाड़ियाँ कंसिडर करेंगे, वो हमारी आती है ब्रेज़ा आ गई हमारी, आपकी वेन्यू आ जाती है इसमें, आपके पास निसान मैगनाइट आ जाती है। अब इन तीन गाड़ियों को जो दिमाग में एकदम सबसे पहले आई है, इसमें अगर मैं कंपेयर करती हूँ कि सबसे बेस्ट कार कौन सी है, तो ओवरऑल पैकेज और हम जो हमारी पॉकेट को भी अच्छे तरीके से सूटेबल हो और हर
चीज़ उस गाड़ी के अंदर हो कि वो स्मार्ट भी लगे, उसका लुक भी स्मार्ट हो, उसके अंदर कंफर्ट भी हो, उसके अंदर स्पेस भी हो, उसके अंदर टेक भी हो, उसके अंदर परफॉर्मेंस भी हो, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि जो वेन्यू है वो बहुत परफेक्ट चॉइस है, आप उस कार को कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये बोलेंगे यार मैग्नाइट या ब्रेजा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है यार, वो भी दोनों अच्छी गाड़ी है। मैग्नाइट का इंजन आपको थोड़ा सा अंडर पावर लगता है क्योंकि छोटा इंजन उस गाड़ी के अंदर लगा हुआ है। ब्रेजा की बात करें तो उसका इंजन ठीक ठाक है, परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, गाड़ी भी अच्छी दिखाई देती है। लेकिन अगर हम लोग चॉइस की बात करें, थोड़े मटेरियल क्वालिटी थोड़ी सी अप मार्केट वाला फील दे, थोड़ी लग्जरी आपको फील कराए गाड़ी, तो वहाँ पर वेन्यू आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। तो अगर आप इन तीनों गाड़ियों में कन्फ्यूज़ हैं तो आप देख लीजिए, मैंने अपनी पर्सनल चॉइसेस आपको सारी बताई है आज, बाकी फाइनल चॉइस हमेशा उसी की होती है जिसके पैसे खर्च हो रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी सेडान कार्स की कैटेगरी। लेकिन देखिए 10 लाख में सेडान अच्छी आपको मिलना ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर हम लोग सब 4 मीटर सेडान को कंसिडर कर सकते हैं, जैसे उसमें आपकी आती है डिज़ायर, उसमें आपकी आती है होंडा अमेज, उसमें आपकी आती है हुंडई ऑरा, उसमें हमारे पास टाटा की टिगोर भी है। ये कुछ गाड़ियाँ जो एकदम से दिमाग में आती है आपके कि हाँ यार हम इन गाड़ियों में से खरीद सकते हैं। अब वन बाय वन डिस्कशन करते हैं, आपको विनर अपने आप पता चल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ायर की, बहुत टॉप नॉच कार है, मारुति की कार है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत अच्छे फीचर्स ऑफर करती है। लेकिन अगेन मारुति की गाड़ी है तो सेफ्टी को तो भूल जाइए, वो चीज़ नहीं है वहाँ पर, तो गाड़ी को कर देते हैं साइड। नेक्स्ट कार पे आते हैं हम हुंडई ऑरा के ऊपर। ऑरा भी बहुत अच्छी गाड़ी है, काफ़ी सारे फीचर्स आपको ऑफर करती है, लेकिन यहाँ पर भी सेफ्टी में कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा, प्लस ये आपको प्रॉपर सेडान वाला लुक भी नहीं देती। उसके बाद आती है हमारी टाटा की टिगोर। टिगोर भी बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन यहाँ पर सेफ्टी तो आपको मिल जाएगी लेकिन वो लुक के अंदर कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। 4-स्टार रेटेड कार है लेकिन वो इंजन में वो रिफाइनमेंट नहीं है, आप इसकी ड्राइव को ज़्यादा इन्जॉय नहीं करेंगे, मतलब मज़ा नहीं आएगा आपको, तो यहाँ पर इसको भी हम साइड करते हैं। तो बची हमारे पास सिर्फ एक गाड़ी, दैट इज़ होंडा अमेज, जिसके अंदर सुपीरियर इंजन है, रिफाइंड इंजन लगा हुआ है, ड्राइव को आप फुल ऑन इन्जॉय करते हैं, सेडान वाला फील आपको देती है, लुक्स चाहे बाहर से देखिए चाहे गाड़ी को अंदर से देखिए, हर तरीके से कार आपको सुंदर लगती है। तो नो डाउट जो विनर है हमारी वो होंडा अमेज है। और सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो होंडा अमेज हमारी है वो डीजल में भी अवेलेबल है। डीजल में आप इसे ले सकते हैं, मैनुअल खरीद सकते हैं, ऑटोमेटिक खरीद सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, जो आपका दिल करे उसको कंसिडर कर लीजिए। लेकिन बाकी कारों के कंपैरेटिवली यहाँ पर मैं अमेज को नंबर 1 पे लेके आऊँगी। तो दोस्त ये थी हमारी हर कैटेगरी के अंदर अंडर 10 लाख में बेस्ट कार। ये जो मैंने डिविजन किया है, जो मैंने आपको गाड़ियाँ बताई है, ये मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोचा कि अगर मुझे गाड़ी खरीदनी है तो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैं किस गाड़ी की तरफ जाऊँगी। यहाँ पर देखिए आपकी चॉइस सबकी अलग होती है, सबकी पोलराइज चॉइस है, किसी को किसी का लुक ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को किसी के फीचर ज़्यादा लगते हैं, किसी की रिक्वायरमेंट कैसी है, किसी की रिक्वायरमेंट कैसी है। तो यहाँ पर एंड ऑफ द डे जो फाइनल डिसीजन होता है वो होता है आपका, आपकी फैमिली का, आपकी रिक्वायरमेंट्स का। तो जब भी आप कार को प्लान कीजिए तो अपनी रिक्वायरमेंट को सबसे प्रायोरिटी पर रखिए। ये मत सोचिए मेरे दोस्त को यार वो ज़्यादा स्मार्ट लग रही है तो मुझे वो खरीदनी है, या रजनी चौधरी ने हमें वो गाड़ी बताई तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ये मैंने बताया अपनी चॉइसेस को लेकर, अपनी प्रेफरेंसेस को लेकर, अपने हिसाब से जितनी गाड़ियां मैं देखती रहती हूँ उसके हिसाब से मुझे जो बेस्ट कार लगी। ऐसे ही जब आप गाड़ी खरीदने जाएंगे, अपने बजट को दिमाग में रखकर, अपनी प्रायोरिटीज को दिमाग में रखकर, अपनी रिक्वायरमेंट्स को दिमाग में रखकर, उस गाड़ी को ड्राइव करके देखकर, फिर आप डिसाइड करेंगे कि बेस्ट कार कौन सी है। लेकिन यस, मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा कि कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा ये अपनी गाड़ी को फाइनल करने के लिए।